दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल रसायन टीआर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से दो नए पीवीसी सीलिंग डिज़ाइन जो है वो लेकर आ गया हूं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में जो है वो मिलेगी इन पीवीसी सीलिंग डिज़ाइन से रिलेटेड। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ली जाने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देख लेते हैं कि जो डिज़ाइन है वो किस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बॉर्डर हमने इस सीलिंग में दिया है दोस्तों, ये 15 इंच का हमारा बॉर्डर जो है वो दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 इंच पर हमने इसका जो जाल है यानी जो फ्रेमिंग है वो की हुई है, और 15 इंच के जो पैनल है वो टोटल पैनल जो है वो लगे हुए हैं बॉर्डर के। ब्राउन कलर का पैनल यहाँ पर वुडन शेड में जो है वो दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पैनल का लुक और डिज़ाइन कितना ज़बरदस्त जो है वो लग रहा है। और यहाँ पर ये एक पिलर है, इसको भी पूरा कवर किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिलर को मैं बिल्कुल क्लोजली आपको दिखा रहा हूँ, पिलर को किस तरीके से जो है वो कवर किया गया है, और प्रॉपर फिनिशिंग आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों बीच वाले जो पैनल आप देख रहे हैं ये क्रीम कलर के वुडन शेड में पैनल हैं, और ये भी काफ़ी अच्छे जो लग रहे हैं। और बीच में एक ये फ़ैन के एरिया में जो डिज़ाइन दिया गया है दोस्तों, ये आप बिल्कुल क्लोजली देखिए कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन जो है वो हैशटैग वाला डिज़ाइन जो है वो दिया गया है। तो उसके बाद यहाँ पर जो दोस्तों अभी आपको निशान वगैरह जो लगे दिख रहे हैं सीलिंग में, तो ये बहुत ही आसानी से पानी का कपड़ा लगा करके जो है वो साफ़ हो जाएंगे, तो उसकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको जो है नहीं होने वाली है। पीवीसी में सबसे अच्छी बात यही है कि पानी लगने के बाद भी ये जो है वो ख़राब नहीं होती है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पीओपी में अगर आपका जो है वो पानी लग जाता है तो वो मतलब ख़राब जो है वो हो जाती है, लेकिन यहाँ पर पीवीसी में अगर कोई पानी की कोई ऐसी दिक्कत आती भी है, पानी वगैरह जैसे चूने लगता है या टपकने लगता है, तो दोस्तों वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली है। ये जो निशान आप अभी देख रहे हैं तो ये पानी से जो है वो साफ़ हो जाएंगे। अभी थोड़ी फिनिशिंग इसमें जो है वो रह जाती है, थोड़ा सा अभी कॉर्नर वगैरह भी जो बॉर्डर के कॉर्नर वगैरह हैं वो बनने थोड़े से बाकी हैं। बाकी पूरा डिज़ाइन आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी सफाई होनी भी जो है वो बाकी है। डिज़ाइन मेरा मकसद है आपको डिज़ाइन दिखाना, नए से नए डिज़ाइन जो हम बनाते हैं दोस्तों उनको आपको दिखाना, और अगर आपको दोस्तों वो डिज़ाइन पसंद आते हैं तो आप जो है वो हमसे वर्क करा सकते हैं। पीवीसी सीलिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। हमारा वर्क दोस्तों दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और चंडीगढ़ में है, तो अगर आप चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा या गाज़ियाबाद से हैं तो आप वर्क जो है वो करा सकते हैं। दोस्तों जो प्राइस के अगर बारे में बात करें तो देखिए अभी का जो रेट है वो दिल्ली के लिए और चंडीगढ़ के लिए 120 रुपये पर स्क्वायर फुट है। मैं ये अभी का रेट आपको बता रहा हूँ, और 120 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आप जो है पीवीसी सीलिंग करा सकते हैं। दोस्तों टाइम टू टाइम रेट जो है वो घटते बढ़ते रहते हैं, तो जो अभी वीडियो आप अभी देख रहे हैं यानी आज के टाइम में एक दो दिन के टाइम तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यही रेट आपको मिलेगा। बाकी मान लीजिए आपको 10 दिन गुजर गए या 15 दिन गुजर गए उसके बाद ये आप वीडियो देख रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि वीडियो का टाइम फ्रेम ज़रूर देखें कि कब वीडियो जो है वो अपलोड किया गया है, उसके बाद आप डिसाइड करें कि जो प्राइस है वो क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि जो आप अभी प्राइस सुन रहे हैं वो केवल अभी के लिए हैं, यानी अगर आप जब वर्क कराएंगे तो आप लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पर देखेंगे तो उसमें आपको प्राइस के रिलेटेड जो है वो बताया जाएगा, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस पर कॉल करके जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे रेट के बारे में जो है पूछ सकते हैं। और एक ज़रूरी बात दोस्तों कि देखिए आप रेट पता कर लेते हैं, पूछते हैं कि एक कमरे का खर्च कितना आएगा या एक दीवार का खर्च कितना आएगा, तो आपको ज़रूरी है कि जिस दीवार को आप पीवीसी पैनलिंग कराना चाहते हैं या जिस सीलिंग को आप पैनलिंग कराना चाहते हैं, डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं, तो उसका दोस्तों पूरा डेटा जो है वो बताएँ कि कितने बाई कितने की जो है वो दीवार है या कितने बाई कितने की जो है वो आपकी छत है। तो इस हिसाब से आप बताएंगे तो आपको रेट के बारे में पूरी कंफर्मेशन जो है वो दी जाएगी, पूरा एक्यूरेट रेट जो है वो बताया जाएगा कि आपके एक पूरे रूम में जो है वो पीवीसी पैनलिंग करने का कितना खर्च जो है वो आएगा, किस किस हिसाब से पूरी पैनलिंग जो है वो की जाएगी, कौन से पैनल जो है वो यूज़ किए जाएंगे, तो सारा कुछ आपको तभी बताया जाएगा जब आप अपने रूम का साइज़ जो है वो बताएंगे। तो ज़रूरी है कि आप एक तो साइज़ बताएँ, दूसरा आप ये बताएँ कि आप कहाँ से हैं, ये चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि क्योंकि हमारा वर्क जो है वो केवल चंडीगढ़, पंजाब में मोहाली और दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा और दोस्तों गुड़गांव में है, तो इन सिटीज़ से अदर सिटीज़ से अगर आप हैं तो दोस्तों वहां पर वर्क थोड़ा मुश्किल जो है वो होगा। बाकी अगर इन चार पांच सिटीज़ से अगर आप हैं तो आप वर्क जो है वो करा सकते हैं।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो प्रोवाइड करा दिया है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ से आप हमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो ले सकते हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि देखिए मान लीजिए अगर 10x10 का एक रूम है उसकी आप सीलिंग कराना चाहते हैं तो आपका 100 स्क्वायर फुट एरिया जो है वो बन जाता है और 120 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपकी 12,000 रुपये की एक सीलिंग जो है वो तैयार होती है। उसमें आपका जो है वो आप जो पैनल लगवाना चाहेंगे तो वो पैनल आपका लगेगा, आपको पहले जो पैनल है वो दिखाए जाएंगे, पैनल की क्वालिटी वगैरह सब कुछ जो है वो दिखाई जाएगी, तो जिस मर्जी चाहें आप पैनल जो है लगवा सकते हैं या जो भी कलर आप चाहेंगे तो वो आपका हो जाएगा या जो डिज़ाइन आप पसंद करना चाहोगे तो दोस्तों वो आपका बन जाएगा। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी सफाई अभी बाकी है तो पैनल थोड़े गंदे हो रखे हैं, तो इनको जो है वो दोस्तों मैं दिखाना आपको ये चाहता था कि जो जैसे धूल वगैरह लग जाती है जैसे कि अभी आप यहाँ पर लगी हुई देख रहे हैं, तो इसको आप पानी का कपड़ा मार करके भी जो साफ़ कर सकते हैं, यानी पानी का गीला कपड़ा लेकर के और उससे बहुत ही आसानी से इसको साफ़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपके पीवीसी पैनल को जो है नहीं होने वाली है। और काफ़ी लंबे टाइम तक ये पीवीसी जो है चलती है, इसकी जो लाइफ होती है दोस्तों 10-15 साल 20 साल भी ये जो है वो आराम से चल जाती है, तो वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत जो है नहीं आने वाली है।